हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, लूसेंट का विज्ञान के सारे क्वेश्चन का कवर कर रहे हैं और लूसेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान को मिलाकर कुल 2500 से प्लस क्वेश्चन है। अगर आप सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में, खासकर NTPC और ग्रुप डी में एग्ज़ाम साइंस का एग्ज़ाम में साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो है अभी फिजिक्स का सेशन चल रहा है जिसमें से 240 क्वेश्चन हो चुका है, आज 241 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे और क्वेश्चन जो होगा, आप एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है और बाद में कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया? इसका जवाब दीजिए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वार्नर वान ब्राउन, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम का जो विकास किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और परमाणु बम जो है ये फर्स्ट जनरेशन का बम है, फर्स्ट जेनरेशन का बम है, और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? ऑप्शन है वर्नस वान ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्नस वान ब्राउन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? वर्नर वाम ब्राउन, एडवर्ड टेलर या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और सैमुअल कोहेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। और हाइड्रोजन बम बहुत शक्तिशाली बम होता है और यह सेकंड जनरेशन का बम है, यह सेकंड जनरेशन का बम है और जो है यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, लुएन हॉक, सीपी स्वानसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोल और रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्रॉडशॉ, डैमलर, आइंस्टीन, फॉर्मिच। ये सब जो है क्वेश्चन आविष्कारक को याद ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो स्कूटर का जो आविष्कार किए थे वो ब्रॉडशॉ ने किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। ऊंचाई या गहराई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर से जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई नापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रडार, सोनार, अल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार से जो है समुद्र की गहराई मापते हैं और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो जो है सोनार का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए, और ये सोनार जो है ध्वनि तरंग पर काम करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? आपको बताना है थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का काम होता है तापमान को स्थिर रखना।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युक्तियों में किसकी मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या क्वाड्रेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिएटर। और रेडिएटर का प्रयोग घरों में बिजली के कामों में और जो है मोटर गाड़ियों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडिएटर। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करके पुनः जो है सुन सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सापेक्ष का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? न्यूटन ने, पास्कल ने, आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी उत्प्लावन का नियम का सिद्धांत जो है किसके द्वारा खोजा गया था? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो या आर्किमिडीज? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के द्वारा जो है लॉ ऑफ फ्लोटिंग उत्प्लावन बल का सिद्धांत जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? आपको बताना ग्रीस हाउस प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, आत्पन, स्थलीय विकिरण। तो याद रखिएगा जो है बारिश वाले दिन जो है स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होता है। इसका कारण है स्थलीय विकिरण, यानी जो है स्थलीय विकिरण के कारण जो है बारिश वाले दिन स्वच्छ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर? आपको बताना है ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पर यानी आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? सूक्ष्मदर्शी के लिए, दूरदर्शक के लिए, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शक दोनों के लिए, ना तो सूक्ष्मदर्शी ना ही दूरदर्शक के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी सिर्फ दूरदर्शक के लिए। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए। अगला क्वेश्चन है सामांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध आर है तीन एक समान प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या हुआ? तो जैसा कि आप सब जानते हैं अगर सामांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 इस तरह चलते जाएगा। तो यहाँ पे तीन तो ये तीन ही लेते हैं तो 1/R1 जोड़ 1/R1 जोड़ 1/R1 तो यहाँ पे 3R इसका जो है सॉरी इसका आर एलसीएम हो जाएगा और सब में 1/1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आर से डिवाइड करेंगे आर से तो कट जाएगा, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार 1+1+1 तो 1/R इक्वल टू 1/3/R तो यहाँ पे R बराबर निकालिएगा तो R/3 आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा R/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा शरीर में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरण करती है। पंखा ठंडी हवा देती है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना दूरतता से वाष्पित होता है। तो हमारे शरीर का जो है पसीना वाष्पन होने के कारण ही जो है ठंडे का एहसास दिलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं, आपको बताना है आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित। याद रखिएगा कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित तथा अनावेशित दोनों होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किरण युग्मों से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होता है? तो आपको बताना है कि प्रकृति में विद्युत चुंबकीय कौन सा किरण होता है? बीटा एवं गामा किरणें, कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें, अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणें और गामा किरणें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएँ हैं चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती है, केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है,
केवल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो जो है तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र तथा तार का पदार्थ, तार का लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र, किंतु तार के पदार्थ पर नहीं, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, केवल तार की लंबाई पर लेकिन ना तो तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र और ना ही तार के पदार्थ पर। तो याद रखिएगा जैसा कि हम बता चुके हैं कि आर बराबर, अगर सिर्फ प्रतिरोध पूछेगा तो रो पूछेगा तो रो इंटू एल बाई ए होता है। रो पदार्थ जो है तार का प्राकृति होता है, पदार्थ का जो है प्राकृति होता है, और लंबाई और क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है सिर्फ रो पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर जो है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार के लंबाई और ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न करती है। आपको बताना, जब एक्स किरण उत्पादित किया जाता है तो जिस बिंदु पर गिरती है वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न करती है, लक्ष्य पर ऊष्मा शोषित करती है, अवशोषित होती है, लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है, लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। तो एक्स किरण जो है इनविजिबल होता है और लक्ष्य पर ताप जो है कोई परिवर्तन नहीं करता, ताप उत्पन्न नहीं करता, अर्थात लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर है, मुक्त निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय योमोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक योमोत्तर कहते हैं। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का आवेदन करता है वो माध्यम का आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। आपेक्षिक पारगम्यता के एक विमारहित राशि नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपेक्षिक पारगम्यता एक विमारहित राशि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता तिरजा होती है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण की वक्रता तिरजा जो होती है वो अनंत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये परिघटना किस कारण, किस गुण के कारण होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट में गिरती है, इसकी एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित और अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी, आपको बताना है 90 डिग्री आपतन कोण के लिए, 0 आपतन कोण के लिए, केवल एक आपतन कोण के लिए, एक से अधिक आपतन कोण के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 269 का सी नंबर, केवल एक आपतन के लिए जो है प्रकाश की किरण जो है एक अंश अपवर्तित और एक अंश परावर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, कम गर्मी तथा कम अधिक सर्दी, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। उस सांवली जो होगा वो ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करेगा, इसलिए उसे अधिक गर्मी और कम जो है सर्दी, कम सर्दी का अनुभव, कम सर्दी का अनुभव करेगा, क्योंकि प्रकाश को जो है अवशोषित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर, बस आज भर इतना ही था। अगर पहला काम तो आपको है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए वो कमेंट बॉक्स में करना है, कितने नंबर आए। दूसरा काम, चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरा काम जो है लोगों में शेयर कर दीजिए, और लाइक तो करना ही है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।